呃。Uh 29 सितंबर 2024 भारत में रविवार है टुडे इज 29th सितंबर 2024 एंड इट्स संडे इन भारत आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडे मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ आज विशेष रविवार है तो अव्यक्त बाप दादा के बहुत ही शक्तिशाली मधुर महावाक्य है रिवाइज तारीख मुरली की है तीन फरवरी दो हजार दो रिवाइज डेट इज थर्ड फेब्रुआरी 2002 माना आज से लगभग 22 साल पहले ये मुरली चली थी मुरली का टाइटल है लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ और सर्व खजानों में संपन्न बनो आज की मुरली समय कम पड़ेगा भट्टी की मुरली है इसके ऊपर बहुत गहराई में जाके चिंतन करना चाहिए बार बार पढ़ना चाहिए एक एक पॉइंट बहुत गहरी है जो ब्रह्मा बाप ने जाते समय तीन शब्द दिए उसकी बहुत सरल विधि बाबा ने बताई कि कैसे निराकारी निर्विकारी और निरहंकारी हम बन सकते हैं बहुत शॉर्टकट बताया है जैसे मैं मुरली पढ़ रहा था मुझे अनुभव होने लगा आप देखो हर एक बाबा का बच्चा तो नंबर वार है जितने जितने बुद्धि स्वच्छ होते जाएंगे बाबा के शब्द बहुत गहराई से हमको टच होने लगते हैं बाबा ने महारथियों को याद किया हमारी दादिया वरिष्ठ भाई बहने आप सोचो इन्होंने इतनी साल तपस्या की है कितनी शक्तिया बाबा से खींचकर चारों तरफ वायुमंडल में ये फैलाते हैं अगर हमारे जैसे बाबा के बच्चे जो पीछे आ रहे हैं वो ऐसा अनुभव कर सकते हैं तो हमारे दादियों का या वरिष्ठ भाई बहनों का क्या कहना तो ये मुरली के एक एक शब्द को नोट करना चाहिए और इस मुरली को संग्रहित करना चाहिए अपने पास रखना चाहिए क्योंकि बाप समान बनने की विधि इसमें दी है संपूर्ण अवस्था इसमें बहुत सारे टेक होम है पहले बाबा ने कहा आज बाप दादा सर्व खजानों के मालिक संपन्न बच्चों को मिल रहे हैं तो सर्व खजाने क्या है खजाना बहुत बड़ी बात होती है खजाना बहुत बड़ा होता है और ये तो अविनाशी खजाना है और केवल एक जन्म नहीं है अभी भी प्राप्त है और भविष्य में अनेक जन्म साथ रहने वाले ये खजाने हैं तो खजानों के ऊपर चिंतन करेंगे वैसे तो आज के मुरली में बाबा ने चार खजानों की बात की है जो हमारे सब्जेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं हर यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट्स होते हैं तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी सब्जेक्ट है बाबा के सभी बच्चे जानते हैं ज्ञान का सब्जेक्ट योग का धारणा और सेवा का तो चारो ही सब्जेक्ट के साथ जो खजाने जुड़े हुए हैं वो बाबा ने बताए है तो ये इट एक पीएचडी का सब्जेक्ट है अगर आप एक एक खजानों के गहराई में जाओ तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी और इसके साथ बाबा ने संबंध संपर्क से दुआएं कैसे लेना है आशीर्वाद कैसे लेना है वो भी बताया हुआ है तो ये पांच बातें हैं इसके गहराई में हम जाने वाले हैं ज्ञान से मुक्ति जीवन मुक्ति योग से सर्व शक्तियां धारणा से दिव्य गुणों सर्वगुण संपन्न और सेवा से बाबा ने कहा खुशी संबंध संपर्क में दुआ है ये पांचों की गहराई में जाना इसके अलावा जो बाकी की मुरलियों में बाबा ने कहा वो है समय का खजाना संकल्प का खजाना इवन श्वास का खजाना ये बहुत गहरा अटेंशन हो जाता है सभी लोग इतना अटेंशन रख नहीं पाते क्योंकि हर एक के बुद्धि का कमाल है बुद्धि का कमाल होता है कि हर श्वास के ऊपर अटेंशन रखना जिसको बाबा ने कल या परसों के मुरली में साकार में कहा था कि नेचुरल सोल कॉन्शियस निरंतर कॉन्शियर अभिमानी अवस्था जैसे अभी कलयुग के अंत में हमको भूलना नहीं पड़ रहा है कि हम देह है तुरंत देवान और अभिमान में आ जाते हैं ऐसे बाबा ने कहा सतयुग में नेचुरल सोल कॉन्शियस रहेगी याद नहीं करना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूँ मैं हूँ ये आत्मा तो वो नेचुरल हो गई श्वास श्वासोश्वास याद रहती है तो उसका एडवांटेज कितना श्रेष्ठ फायदा होता है तो ये सब संपूर्ण अवस्था के लक्षण है बाबा ने कहा बाप समान ये बीके भाई बहनों का सर्वोच्च लक्ष्य है माना बाप समान में भी दो बातें हैं ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता एंजेलिक स्टेज और शिव बाबा समान निराकारी अवस्था तो ये बाप समान है तो बाप समान कब बनेंगे जब लक्ष्य और लक्षण समान हो जाएगा हम सबका लक्ष्य है श्रेष्ठ है लेकिन लक्ष्य और लक्षण इसमें फर्क है तो लक्ष्य और लक्षण जब समान हो जाएंगे तभी हम बाप समान बनेंगे ये बाबा ने कई मुरलियों में कहा हुआ है उसके बाद जो पॉइंट आई है बाबा ने अभिमान का कारण बताया समान की कमी और आज के मुरली में बहुत सुंदर स्पष्टीकरण है शरीर और आत्मा को कैसे अनुभव करना तो देह ने आत्मा को धारण नहीं किया आत्मा ने देह को धारण किया है तो निराकार आत्मा ने साकार शरीर में प्रवेश किया अभी जैसे ही यह वाक्य पढ़ रहे हैं तो ऐसे अनुभव होता है कि मैं निराकार हूं और आज बाबा ने बहुत बड़ा फॉर्मूला बताया जितना निराकारी अवस्था है उतना निर्विकारी और निरंकारी स्थिति सहज हो जाएगी लौकिक जीवन में गुरुओं लोग आशीर्वाद देते आयुषमान भव बाबा ने कहा आयुष्य तो लिमिटेड होगा लेकिन बीके लाइफ में आयुष्यवान भव विशेष आज कुमारों को बाबा ने एड्रेस किया है कि लौकिक में युद्ध जिद्दी होते हैं, लेकिन यहाँ के बाबा के युद्ध अपने प्रतिज्ञा पर पक्के हैं। कभी भी सेवा से संकल्प से हटेंगे नहीं जो बाबा से वायदा किया है हर कुमार को हर बाबा के बच्चे को मैं कहूँगा जन्म से ही विजय का तिलक लगाया लगा हुआ है इसलिए कभी भी समस्या के वश नहीं होंगे लेकिन समाधान स्वरूप होंगे जो बाप के संस्कार वो मेरे संस्कार कुमारों को आज बाबा ने सुकुमार कहा है एक एक कुमार को टारगेट दिया है दस दस का कंगन तैयार करके लाना समस्या आती है तो सेकंड में साक्षी दृष्टा बनना है और तूफान को तोहफा समझ उसे पार करना ये मुरली में मैं प्रेजेंट था इसलिए मुझे याद है दो कुमार भागते हुए स्टेज की तरफ जा रहे थे तो उनको रोका गया थोड़ा समय के लिए लोगों में हलचल हुआ बाबा ने कहा ये पेपर हुआ तो समस्या समय हलचल में नहीं आना है सेकंड में साक्षी हो जाना है फुल स्टॉप और शक्तिशाली स्टेज पर स्थित रहना है परिस्थिति को शिक्षक समझेंगे तो अनुभवी बनेंगे दो शक्ति करने के लिए परिस्थिति आती है सहन शक्ति और समाने की शक्ति तो जब हम है ही ट्रस्टी तो डरने का क्या है सब कुछ बाबा को दे दिया इसलिए सब कुछ अच्छा है। ही होगा और जिनका मिजाज मीठा है वो कभी भी संकल्प में भी दूसरे को दुख नहीं दे सकते ये आज की पूरी मुरली है लेट स्टार्ट बाबा ने कहा जैसे बाप संपन्न है सदा संपन्न और संपूर्ण है देखो ये संपूर्ण निर्विकारी टाइटल ये केवल देवताओं को लागू होता है बाबा संपूर्ण निर्विकारी नहीं है वो तो पवित्रता का सागर कहेंगे वो विकारी और निर्विकारी नहीं बनता है हम मनुष्य आत्माएं विकारी और निर्विकारी बनते हैं तो इसलिए संपूर्ण निर्विकारी बाबा को टाइटल नहीं लागू पड़ता है वो सदा उसको सदा शिव कहा है सदा कल्याणकारी है सदा संपूर्ण और सदा संपन्न है तो जो जैसा होता है दूसरों को वैसे बनाता है तो बाबा भी हम बच्चों को सदा सर्व खजानों से संपन्न बनाने के लिए आया है अभी संपन्न शब्द बहुत सुंदर है संपन्न का अर्थ है बाबा ने बताया सदा प्राप्ति स्वरूप तृप्त आत्मा सदा खुश तो चेक करना चाहिए कि क्या मैं ऐसा अंदर से भरपूर हूँ क्योंकि जो जितना अंदर से भरपूर होगा वो स्टेबल होगा स्थिर होगा हलचल में नहीं आएगा कुछ भी हो जाए वो हलचल में नहीं आएगा स्टेबिलिटी ये बहुत अच्छा शब्द है अंग्रेजी का स्टेबिलिटी का अर्थ है स्थिरता मैंने पहले भी सुनाया था कि जब मैं कॉरपोरेट में सेशन लेता हूँ कंपनियों में तो मैं ये प्रश्न जरूर पूछता हूँ कि गिवन अ चॉइस बिटवीन स्टेबिलिटी एंड सक्सेस व्हाट यू वुड चूज माना अगर आपको पर्याय दिया जाए कि स्थिरता चाहिए या सफलता चाहिए तो आप किसे चुनेंगे तो लोग ऑब्वियस चॉइस करते कि स्थिरता स्टेबिलिटी इज मोर देन सक्सेस क्योंकि पैसा कमा रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं लेकिन अंदर से आप स्थिर नहीं है तो आपके ऊपर इफेक्ट आएगा असर आएगा आज मेरे पास कितने मैनेजर्स हैं कंपनियों में काम करते हैं बहुत पढ़े लिखे हैं तो दुनिया के हिसाब से उनकी सैलरी हम कहते हैं टेन फिगर्स बड़ी सैलरी है लेकिन अंदर से स्थिर नहीं है रात को नींद नहीं आ रही है नींद की गोली लेनी पड़ रही है बड़ी पोस्ट है कार है बंगला है लेकिन एंजाइटी है डिप्रेशन है गुस्सा है रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है तो स्थिरता बहुत ज़रूरी है स्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी तभी आएगी जब आप अंदर से भरपूर है क्योंकि जितनी जो चीज़ खाली होती है उतना उसमें हलचल होता है तो बाबा ने आज चेक करने को कहा कि चेक करो कि मैं कितने खजाने से संपन्न हूँ कितना जमा है खजाना ये खजाने खत्म होने वाले नहीं है और बहुत अठूट है माना कभी खत्म नहीं हो सकते इतने खजाने हैं तो चेक करना चाहिए कि मैं कितने खजानों से संपन्न हूँ अभी जो मुरली में चार खजाने आए हैं उसके ऊपर ही हम चिंतन करेंगे लेकिन इन सबका बीज अगर आप देखा जाए तो समय संकल्प और श्वास ये तीनों का खजाना है ये तीन अगर आपने सफल किए बाक़ी सब ऑटोमेटिकली हो जाता है लेकिन आज की मुरली के हिसाब से हम आएंगे ज्ञान के ऊपर ज्ञान का खजाना अभी दो बातें हैं. वन इज नॉलेज एंड अदर इज विजडम ये दोनों बात समझना जरूरी है ज्ञान और ज्ञान की समझ दोनों में फर्क है बाबा ने कहा ज्ञानी अर्थात समझदार समझदार कभी भी धोखा नहीं खाता है अगर हम ज्ञान के खजाने से संपन्न होंगे संपन्न ऐसा नहीं थोड़ा है थोड़ा नहीं है नहीं संपन्न माना सर्व ज्ञान संपन्न होंगे तभी मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं देखो मुक्ति माना बंधनों से मुक्ति जीवन मुक्ति माना आप जीवन में है लेकिन दुख का अनुभव नहीं है ये जीवन मुक्ति है जीवन में रहते हुए मुक्त अवस्था में है ये बाबा ने आज बताया है कि जीवन में रहते पुरानी दुनिया में रहते वायुमंडल में रहते ज्ञान के खजाने के आधार से इन सब वायुमंडल और वाइब्रेशन से न्यारे मुक्त हो कमल पुष्प समान न्यारे मुक्त आत्माएं दुख से चिंताओं से अशांति से मुक्त हो तभी कहेंगे कि हम ज्ञान में संपन्न इसके साथ बाबा ने कहा बुराइयों के बंधन से मुक्त व्यर्थ संकल्पों से भी मुक्त तो चेक करना चाहिए एक यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा जो कंप्लेंट आई है बहुत लोगों की कि हम जिस ऑफिस में काम करते हैं जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे लोग बहुत ही निगेटिव बातें करते हैं तो उसका असर आता है बाबा ने इसका जवाब दिया है बहुत सुंदर लगा मुझे और ये समान का अभ्यास भी कर सकते हैं आप इसका बाबा ने कहा आपकी रचना अगरबत्ती है अगरबत्ती कभी कंप्लेन नहीं करती कि बदबू है अगरबत्ती केवल अपनी खुशबू फैलाती है यही ज्ञान स्वरूप अवस्था है ज्ञान के खजाने में संपन्न आत्माएं कभी भी परिस्थिति के प्रभाव में नहीं आएंगे वो मुक्त रहेंगे मुक्ति की अवस्था में कोई कितना भी कुछ भी करे उनका एक संकल्प भी नहीं चल सकता न वो धोखा खाएंगे न उनके संकल्प चलेंगे तो ये है बहुत पावरफुल स्टेज है इसलिए कहा गया है नॉलेज इज पावर नॉलेज इस पावर तभी है जब आप इससे फुल हो जैसे हमने कुछ दिन पहले देखा जो फुल है वो कभी फेल नहीं होंगे अगर फेल होते है, इसका मतलब फुल नहीं है फुल माना भरपूर तो ज्ञान का खजाना इतना पावरफुल है कि हमको तुरंत मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव करता है बाबा ने कहा कलयुग है तो व्यर्थ और निगेटिव चलने वाले संकल्प चलाने वाली परिस्थिति आनी है आप कहते हैं वो आए नहीं है हो नहीं सकता है क्योंकि हम माया के राज्य में हैं। तो डेफिनेटली यह परिस्थिति आएगी इनका काम है आना और हमारा काम है इनसे मुक्त न्यारे और बाप के प्यारे रहना उदाहरण मैं देना चाहूंगा क्योंकि बहुत लॉजिकल है मुझे इस उदाहरण से बहुत प्रेरणा मिली है आदरणीय आदरणीय परम आदर्निय, दादी गुलजार ये हमने अनुभव सुना था मीटिंग में कि दादी नॉर्थ जोन दिल्ली के लिए निमित्त थी वैसे तो वो आत्मा हमेशा न्यारी रहती थी निरसंकल्प देवता हम दादी को कहते थे तो दादी बैठी है बाजू में ब्राह्मणी बैठी है एक ऐसी आत्मा डिस्टर्ब होके दादी के पास आई और गुस्से में थी तो बहुत कुछ बोला दादी को जो नहीं बोलना चाहिए हम सब जानते हैं गुस्से में व्यक्ति का खुद के ऊपर नियंत्रण चला जाता है और ऐसे शब्दों का चयन करता है जो नहीं करना चाहिए तो बहुत कुछ बोला लेकिन दादी बिल्कुल चुप थी लेकिन दादी के बाजू में जो ब्राह्मणी बैठी थी उससे अच्छा नहीं लग रहा था लेकिन दादी चुप थी इसलिए वो भी चुप थी तो वो गुस्से का गुब्बारा फट के चला गया इस तो ब्राह्मणी ने दादी को पूछा कि दादी सुना आपको क्या क्या बोला और दादी ने केवल एक ही शब्द बोला एक ही वाक्य हाँ बेचारी डिस्टर्ब लग रही थी तो ये है रहम आत्मा इतना निगेटिव शब्द वाइब्रेशन लेकिन दादी के ऊपर उसका कोई असर नहीं हुआ दादी के अंदर उसे रहम का भाव आया ये है अवस्था और हमको इस अवस्था तक पहुंचना है ज्ञान के खजाने से संपन्न आत्मा कैसी भी परिस्थिति हो कितने भी व्यर्थ निगेटिव संकल्प निर्माण करने वाली परिस्थिति आई वो न्यारी और बाप की प्यारी रहेगी क्योंकि ज्ञान के खजाने से संपन्न है जब कोई आत्मा परवश होती है तो परवश के ऊपर गुस्सा नहीं रहम आता है ये ज्ञान का खजाना मेरे अंदर भरपूर होना चाहिए और अगर हमारा लक्ष्य है कि मुझे बाप समान बनना है तो ब्रह्मा बाबा ने दादियों ने हमारे कितने भाई बहनों ने योग की शक्ति से परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त किया रिएक्ट नहीं किया रेस्पॉन्ड किया वो भी पॉजिटिविटी से रेस्पॉन्ड करना अभी इसी जगह पर अगर हम बॉडी कॉन्शियसनेस में होते तो हम कुछ ना कुछ बोल देते लेकिन दादी बिल्कुल चुप और वो भी रहम का भा तो ये अवस्था है तो इसके साथ कनेक्ट करेंगे दूसरा खजाना योग का खजाना अभी योग सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है अगर हमारा योग अच्छा है तो बाबा का टाइटल है मुख्य टाइटल सर्वशक्तिवान। और हम उसके बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान अभी ये मास्टर सर्वशक्तिवान बोलना बहुत इजी है कई लोग मशीन की तरह क्या बोलते हैं उसको रिपीट करते रहते हैं और फिर कहते हैं हमने 108 बार बोला अभी केवल आप दिमाग में रिपीट कर रहे हो उससे आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा उसकी गहराई में जाके आपको सर्व शक्तियों का अनुभव होना चाहिए ये मंत्र वैसे मंत्र की तरह नहीं रिपीट करना है लेकिन उसको फील करना है तो सर्व शक्तियां होगी अगर सर्व शक्तियां है तभी हम हर परिस्थिति में विजय प्राप्त करेंगे अगर एक भी शक्ति कम है तो समय पर धोखा दे देगी इसके ऊपर बाबा ने बहुत मुरलियां चलाई है मैं चाहूंगा कि आप अष्ट शक्तियों के ऊपर चिंतन करें मुझे ये अष्ट शक्तियां बहुत सुख देती है हर क्षण क्योंकि जो भी मिलने को आता है फोन पे बात करता है मैं अष्ट शक्तियों को धारण करके बैठा हूं अभी वैसे भी नवरात्रि का उत्सव आया है मैं विजुलाइज़ करता हूँ कि मेरे आठ हाथ है चार और चार आठ हाथ और यह अष्ट शक्तियाँ लेके मैं धारण हूं तो परखना निर्णय करना सामने वाले कई लोग ऐसा बोलते हैं इतना झूठ बोलते हैं और इतना सफाई से बोलते हैं कि अगर आप अलर्ट नहीं रहे तो फंस जाएंगे कलयुग का समय है आपकी परखने की शक्ति बहुत पावरफुल चाहिए क्योंकि सामने वाला किस भाव से आपके पास आ रहा है आपको नहीं पता तो परखना निर्णय करने के बाद में फिर आपको डिसीजन लेना है इसको सहयोग देना है या इसको समाना है सामना करना है सहन करना है ये सब सेकंड में आपकी सब शक्तियाँ घूमनी चाहिए और आपसे कोई मिलने को आता है उसको भी ये फीलिंग आएगी कि ये आत्मा अष्ट शक्तियों का सेकंड में इस्तेमाल कर रही है और जब हमारे पास ये सर्व परसेंटेज में फुल रहेंगे तभी हम सूर्यवंशी बनेंगे बाबा ने कहा अगर फुल पास नहीं है परसेंटेज में शक्तियां है तो सूर्यवंशी के बजाय चंद्रवंशी में चले जाएंगे तो बाबा ने देखो स्पष्ट डिसीजन दे दिया फुल पास नहीं है अगर हाफ पास है तो चंद्रवंशी बनेंगे इसलिए शक्तियों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना हर समय शक्तियों की जरूरत है इवन ज्ञान की पॉइंट्स भी है तो उसको यूज करने के लिए शक्ति चाहिए जैसे शांत रहना ये थेरी हो गई लेकिन शांति की शक्ति जरूरी है तो ये अष्ट शक्तियों के अलावा बाकी की शक्तियों के ऊपर भी चिंतन करेंगे इसलिए मैंने कहा ये भट्टी की मुरली है समय कम पड़ेगा तो बाबा ने कहा कि सर्व शक्ति फुल परसेंटेज में चाहेंगे तभी आप पास होंगे और ये नहीं सोचना कि हम बाद में कर लेंगे नहीं बाबा ने कहा समय तीव्र गति से कब बताया बाईस साल पहले तीव्र गति उस वक्त थी तो अभी सोचो क्या गति होंगी अभी तो सोचा और हुआ इस अवस्था में हमको चाहिए कल मैं एक आत्मा से मिली बहुत वरिष्ठ आत्मा है यज्ञ के उनकी उम्र 84 इयर्स अकेले रहते हैं डॉक्टर है उन्होंने कहा मैं अभ्यास कर रहा हूँ एक सेकंड में निराकार अवस्था 84 साल की उम्र में अपना खाना खुद बना रहे हैं और वर्ल्ड में इंटेलिजेंट लोगों में उनका नाम है वर्ल्ड के अंदर बाबा के पक्के बच्चे हैं तो वो एक सेकेंड में अवस्था का अभ्यास कर रहे हैं अमृत वेला दो बजे उठ के बैठते हैं और केवल तपस्या करते हैं तो ऐसे हमको लक्ष्य रखना चाहिए तभी हम वहां तक पहुंच जाएंगे अलबेला नहीं रखना है लक्ष्य को डबल ट्रिपल अंडरलाइन करना है अभी अभी संपूर्ण बनना है तो कप शब्द डिक्शनरी से निकाल देना है जो भी करना है अब करना है तो ज्ञान योग का खजाना हो गया धारणाओं का खजाना में भी चिंतन करेंगे धारणा माना दिव्य गुणों की धारणा हमारा जो टाइटल है श्री कृष्ण का और एक अभ्यास है कि पांच टाइटल को देखो सर्वगुण संपन्न सोला कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम संपूर्ण अहिंसक इन पांच टाइटल्स को भी चेक करेंगे तो भी संपूर्ण अवस्था की चेकिंग हो जाएगी तो बाबा ने कहा सर्व गुण होने चाहिए एक गुण नहीं है तो भी नहीं चलेगा दो गुण कम होगा तो क्या होगा नहीं चलेगा बाबा ने कहा जिस गुण की कमी है उसको भरपूर करो उसको कंप्लीट करो नहीं तो सर्व गुण के टाइटल से कम हो जाएगी जितना जितना हम इसमें कम हो गए उतना पीछे आएंगे सेवा भी करते हैं मैं देखता हूं बाबा के बच्चे कितनी सेवा करते है? अथक सेवा है दिन रात सेवा करने वाले मैंने बाबा के बच्चे देखे लेकिन वही बात है सेवा करते समय अगर मुझे खुशी नहीं हो रही है तो भी समझने का कुछ तो गड़बड़ है बाबा ने कहा अगर सेवा की और खुशी नहीं हुई तो सेवा यथार्थ नहीं है सेवा में कोई ना कोई कमी है इसलिए सेवा बाबा ने कहा सेवा की चेकिंग देखो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इसलिए मैं इसमें समय दे रहा हूं बाबा ने कहा सेवा में जो खुशी मिलती है उसका प्रभाव सेवा स्थान पर पड़ना चाहिए सेवा साथियों पर तीसरा जिन आत्माओं की सेवा करते हैं उन आत्माओं पर और वायुमंडल भी खुश होना चाहिए ये है सेवा अगर इसमें एक भी नहीं है तो हम यथार्थ सेवा नहीं कर रहे सेवा में दो ही शब्द मैंने देखा है मैंने सेवा किया ये मैंने सेवा किया तो आप गए माया ने पकड़ लिया बाबा ने करा दिया मैं निमित्त हूँ तो ये बहुत गुहिया पॉइंट है सेवा की और खुशी नहीं सेवा में अवस्था बनती भी है तो बिगड़ती भी है क्योंकि सेवा में अलग अलग संस्कार के भाई बहने होते हैं बहुत लोगों को मैंने देखा सेवा करते समय से गुस्सा आ रहा है दिन रात बैलेंस नहीं रख रहा है अमृत वेला मिस हो रहा है तो ऐसी सेवा जिससे खुशी नहीं मिल रही तो क्या सेवा फिर संबंध संपर्क में दुआएं लेना बहुत जरूरी है कई लोग इंडिपेंडेंटली चलना चाहते हैं। बाबा हमेशा परिवार की बात कर रहा है क्योंकि सतयुग में आप अकेले नहीं रहेंगे परिवार होगा तो सबसे दुआएं लेके आगे बढ़ना है तो यथार्थ रीति अगर हमारे संबंध संपर्क सबके साथ अच्छे हैं तो हम दुआएं लेंगे डबल लाइट रहेंगे दुआ लेने वाला डबल लाइट माना हल्का रहेगा कभी भी बोझ अनुभव नहीं करेगा लेकिन यहां पर भी अटेंशन ऐसे नहीं हल्का माना इजी ही बाबा ने कहा जैसे कहा हुआ था ज्यादा मीठे पर चीटियां बहुत आती है तो इतना इजी भी नहीं कि दूसरे आपका फायदा उठाए ये नहीं होना चाहिए बैलेंस में डबल लाइट रहेगा और बाबा हमेशा कहता है कि कोई भी बच्चा पीछे नहीं रह जाए हर एक बच्चा आगे जाए इसके लिए मैं शब्द कितने बार हम बोलते हैं वो नोट करो आज एक अभ्यास करो और जभी भी मैं तो मैं कौन तो मैं निराकार सो साकार साकार देह में प्रवेश करने वाली मैं निराकार आत्मा हूँ यूथ को बहुत बाबा ने याद किया ल, है लौकिक में ज्यादातर युद्ध जिद्दी होते हैं बाबा ने कहा जिद्दी को पॉजिटिव एस्पेक्ट है प्रतिज्ञा पर पक्के रहना वो भी जिद्दी है कई लोग बदला लेने में जिद्दी होते हैं <laughs> एक मुरली में बाबा ने कहा यूथ में जोश होता है लेकिन होश नहीं होता क्योंकि वो सब कुछ कर सकते एनर्जी बहुत होती है तो विजय है विजय का तिलक हर एक को मिला हुआ है तो कभी भी हार नहीं खाना मारा माया से एक एक कुमार को दस दस को लाने को कहा है तो ऐसे बाबा ने आज फुल स्टॉप लगाने को कहा है कैसे भी परिस्थिति आए तुरंत फुल स्टॉप परिस्थिति आ नहीं है जैसे आज के मुरली में दो कुमार क्या हो गया पता नहीं कुछ कई बार ये उन्माद की अवस्था आती है जब कंट्रोल नहीं रहता है स्टेज पर भागे तो उनको रोका गया बाबा ने कहा ऐसे समय पर हमको चेक करना चाहिए फुल स्टॉप तुरंत लगना चाहिए तो फुल स्टॉप वही लगा पाएगा जिसके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक होगा परिस्थिति आनी ही है उसको घबराना नहीं है परिस्थिति आती है तो परिस्थिति दो विशेष शक्तियों का पाठ पढ़ाने को आते है एक सहन शक्ति कितना है दूसरा सामना करने की शक्ति कितना है सहन किया लेकिन समाया नहीं तो भी प्रॉब्लम है वर्णन नहीं करना है सामना भी करना है कई लोग डरते हैं डर का संस्कार है तो सामना करना भी आना चाहिए सिर्फ कहाँ पे सहन करना है कहाँ पे सामना करना है ये फर्क हमको पता होना चाहिए जब हमने सब कुछ बाबा को दे दिया तो डरना किस बात से बाबा ने कहा बाबा को दे दिया तो जो होगा वो अच्छा होगा इसलिए सदा निश्चिंत और समर्थ स्वरूप में रहेंगे और इतने मीठे रहेंगे ऐसे बाबा के बच्चे जो मीठे बच्चे मिजाज स्वभाव जिनका मीठा है बाबा ने कहा वो भूल में भी किसी को दुख नहीं दे सकते ऐसे नहीं कह सकते कि आप बुरा मत मानना मेरा भाव नहीं था हो नहीं सकता है जो मीठे स्वभाव वाले उनके हर बोल में संकल्प में मिठास होगी वो सभी को सुख देंगे मर्यादा में रहते हुए और सबसे दुआएं लेंगे तो आज की पूरी मुरली में टेकोम अगर आप मुझे कहते हो तो मैं कहूंगा कि मैं सर्व खजानों के मालिक शिव बाबा की संतान सर्व खजानों से संपन्न हो ज्ञान योग धारणा और सेवा संबंध संपर्क में सबसे दुआएं लेने वाली आत्मा हूं कल्प कल्प की विजयी रतन हो निराकार सो साकार आत्मा हूं और हर परिस्थिति में अनुभवी बनती हूँ सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति मेरी बढ़ते जा रही है बाबा ने मुझे अंदर से इतना भरपूर कर दिया कि मेरा मिजाज एकदम मीठा हो गया और हर एक को मर्यादा में रहते हुए सुख देने वाली सदा मुस्कुराते हुए हर्षित रहने वाली श्रेष्ठ महान आत्मा हूँ अच्छा Om Shanti.